हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम जय पटेल है और हम एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक COC कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जिसका नाम है IoT बेस्ड डिसेंट्रलाइज सोलर पावर सिस्टम। तो देखते हैं कोर्स में क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, उससे क्या आउटपुट रहेगा, यानी कि क्या सीखने को मिलेगा, और एट द एंड ऑफ टू सेमेस्टर और एट द एंड ऑफ द कोर्स व्हाट विल यू गेट। सो देखते हैं वन बाय वन। बेसिकली जो कोर्स है वो 80 घंटे का है, 80 आवर्स। सेमेस्टर जो ऑफरिंग सेमेस्टर है उसमें पहले सेमेस्टर में 40 आवर्स रहेगा और दूसरे सेमेस्टर में 40 आवर्स रहेगा। उसको डिटेल में हम वन बाय वन देखेंगे कैसे क्या कोर्स कंटेंट रहेगा और उसमें कैसे हम प्रैक्टिकल अप्रोच कितना रहेगा और थियरी अप्रोच कितना रहेगा। तो ये टाइटल है कोर्स का, IoT बेस्ड डिसेंट्रलाइज सोलर पावर सिस्टम, और कोर्स कोड है जिससे आपको सहायता रहेगी सिलेक्शन के लिए, 21AECO022। ये हमारा कोर्स कोड है। तो जब आप सिलेक्शन करोगे तो यहाँ वहाँ पे कोर्स कोड और कोर्स नेम रहेगा, तो ये जान के आपको सहायता रहेगी। अब देखते हैं आगे। तो कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ये पूरा जो कोर्स है वो बेसिकली सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी से मोटिवेटेड है ना? तो जैसे हम देख ही रहे हैं कि अभी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी वो हमारी बेसिक नीड में आ गया है। तो अभी मेन जो सोर्स है बिजली का या इलेक्ट्रिसिटी का वो थर्मल पावर स्टेशन है, जिसमें रॉ मटेरियल एज अ कॉल यूज होता है। तो हमें पता ही है कॉल सस्टेनेबल नहीं है, है ना? एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो उसमें हमारी जो बेसिक नीड है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कैसे हम हमारी जो नीड है पावर की वो हम खुद ही जनरेट करके उसको यूज कर सके, वो भी सस्टेनेबल वे से, वो एक मेन मोटिवेशन है। इसलिए पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें हम ग्रिड के साथ टाइप नहीं करना रहता है, पूरा ऑफ ग्रिड सिस्टम है। हमें जितने पावर की आवश्यकता है हम खुद ही अपने घर पे जनरेट कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है, जनरेशन ऑफ पावर वेयर वी नीड, जहाँ पे भी हमें आवश्यकता है वहाँ पे पावर जनरेट कर सकते हैं। ये पूरा मैंने बताया उस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना? और एनर्जी एफिशिएंट अल्टरनेटिव्स है, यानी कि जैसे हम अभी हमारे रेगुलर अप्लायंसेस को देखें, फॉर एग्जांपल फैन, तो फैन 75 to 80 वॉट कंजप करता है अभी जो रेगुलर रहते हैं वो। जबकि हम जो सिस्टम आपको अप्रोच में बता रहे हैं यहाँ पे वो मैक्सिमम 25 to 30 वॉट कंज्यूम करेगा। तो ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा अल्टरनेटिव जो है वो एनर्जी एफिशिएंट है। इस पे ग्रिड पे डिपेंडेंसी नहीं है, ऑफ ग्रिड है पूरा, है ना? और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हम इससे कर सकते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है पावर जनरेशन में, जनरेशन की उसमें। और रिमोट एरियाज जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुँची या इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची वहाँ पे तो बहुत उपयोगी है। तो इस तरह की ये हमारे कोर्स ऑब्जेक्टिव है। आगे आपको जस्टिफिकेशन बता देता हूँ। तो ये कैसे हमने डिज़ाइन किया है कोर्स? तो कोई भी कॉमन मैन, कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो या फिर इंजीनियरिंग हो, सभी ये कोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत बेसिक, मिनिमम बेसिक लेवल से हमने डिज़ाइन किया है, और कोई भी स्टूडेंट जिसको इच्छा हो समझने की, वो सभी स्टूडेंट यहाँ पे सीख सकते, समझ सकते, है ना? वो पूरा डिज़ाइन उसको पता चल सकता है, और कोई भी डिसिप्लिन के बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा एक एक जस्टिफिकेशन रहा। सिलेबस जो मैंने आपको बताया कि 2 सेमेस्टर में रहेगा, है ना? 3 ईयर के प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली एंड 4 ईयर के प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली, यानी साइंस के अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंजेस रहेगा और इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंजेस रहेगा। कॉमर्स में भी 3 ईयर्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी ये है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें दोनों पे वेटेज दिया गया है, थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो इवेल्यूएशन इसका जो रहेगा वो रिमार्क्स बेस्ड रहेगा, और एट द एंड ऑफ सेकेंड सेमेस्टर रहेगा, यानी कि 3rd ईयर प्रोग्राम में 5th सेम में और 4th ईयर प्रोग्राम में 7th सेम में, है ना? इस तरह से इसका इवेल्यूएशन रहेगा। प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल असेसमेंट इसमें ज़्यादा रहेगा, थियरी जस्ट बेसिक आपको जो मेन कंसेप्ट है उसका बेस पता होना चाहिए, इतनी ही आवश्यक है थियरी, है ना। मेन पूरा कोर्स प्रैक्टिकल अप्रोच है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन रहेगा। एक्सपेक्टेड आउटकम जो हमने अभी डिज़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप से पूरा हैंडी पावर यूनिट बना सकते हो, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है आप कितना इंटरेस्ट लेके, तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरा एक बना सकते हो, हैंडी पावर हाउस, है ना। और आगे जाके आप इसमें ज़्यादा रिसर्च में भी जाने का स्कोप है। आप आईओटी, इसमें आईओटी बेस है तो पूरा आईओटी की एक मिनिमम स्किल भी, आपको प्रोग्रामिंग स्किल भी आप इसमें सीख सकते हो, डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट, कैसा आपका इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करेगा। एक सम पिक्चर्स आर देयर, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रहेगा। जैसे सोलर पैनल है उसको हम स्टडी करेंगे, ये चार्ज कंट्रोलर है, पैनल, बैटरी और हमारे अप्लायंसेस, इसके बीच में वो वोल्टेज और करंट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये कंट्रोलर है ना, चार्ज कंट्रोलर बोलते हैं, इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बैटरीज कैसे वर्क करती है, कितने टाइप की होती है, उसमें क्या कैसे कितना चार्जिंग करने से कितनी चलेगी, वो सब डिटेल में हम बैटरी के बारे में स्टडी करेंगे। फिर ये डीसी अप्लायंसेस है 24 वोल्ट के, फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब भी आते हैं, तो उस पर कैसे इसको हम देख सकते हैं या उसको कैसे चला सकते हैं, वो पूरा सिस्टम हम डिजाइन करेंगे इस कोर्स में। ऐसे एक मिनिमम मैंने जो आपको बताया कि एक हैंडी पावर हाउस, ये ब्लैक कलर की आप देख सकते हैं, ऐसी पावर हाउस आप बना सकते हैं जिससे मिनिमम बल्ब, फैन, मोबाइल चार्जर आ जाता है। और ये आप फैन मान लीजिए 3-4 आवर आप बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के बैटरी के बैकअप पे चला सकते हो, और सिर्फ बल्ब चलना लाए तो वो 10 आवर्स तक आप बैकअप मिल सकता है, तो ये आप आपके इंटरेस्ट से चला सकते हैं, है ना। और आईओटी में बेसिकली जो पूरी सिस्टम हमने डिजाइन की है वो सिस्टम के साथ सेंसर्स भी जुड़ेंगे, एक्चुएटर्स यानी कि ट्यूबलाइट, फैन, ये सब एक्चुएटर्स भी जुड़ेंगे, और एक रेफरेंस वैल्यू के तहत हम उसके कंजप्शन को मॉनिटर भी कर सकेंगे हमारे पीसी में या मोबाइल में भी। तो ये पूरा आईओटी उसमें हमने मर्ज किया है, आईओटी बेस्ड पूरे सिस्टम हम ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे, तो इस तरह से पूरा कोर्स रहेगा, है ना। थैंक यू, धन्यवाद सुनने के लिए। आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप कभी भी मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा ईमेल एड्रेस है jaykumar.patel@atmiuni.ac.in, एंड मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिखा है 9687595066। थैंक यू सो मच।